नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किडनी, मूत्राशय और पित्त की पथरी में मूली है रामबाण। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आज हम मूली के फायदे के बारे में बता रहे हैं। मूली किडनी रोग में पेशाब ना आने पर, प्रोस्टेट होने पर, पेशाब रुकने पर, पीलिया में, पथरी संबंधित रोगों में बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। अगर किसी कारण से पेशाब नहीं आ रहा है या पथरी की समस्या है तो आप बिल्कुल एक साधारण सी मूली की शरण में जरूर आएं और फायदा उठाएं। आइए जानते हैं कि इन रोगों में मूली के प्रयोग कैसे किए जाते हैं। गुर्दे, मूत्राशय और पित्त की पथरी में मूली रामबाण मानी जाती है। मूली में क्षारता इतनी है कि यह पथरी को भी गला देती है। पत्तों सहित मूली का रस निकालकर एक गिलास रस में नींबू, चौथाई चम्मच काली मिर्च मिलाकर रोजाना सुबह पिए, आपकी पथरी कहाँ निकल गई पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में मूली लंबे समय जब तक मिलती रहे सेवन करते रहें। मूली और इसके पत्ते में पथरी निकालने के गुण विद्यमान होते हैं। अगर किडनी कम काम कर रही है और आपका पेशाब बंद हो गया है तो ये प्रयोग कर सकते हैं। आप आधा चम्मच मूली के बीज पीसकर एक गिलास पानी में मिलाकर चौथाई कप मूली का रस मिलाकर छानकर तीन बार पिए, पेशाब खुलकर आएगा, जलन भी दूर हो जाएगी। मूली के पत्तों के 50 ग्राम रस में चौथाई चम्मच सोडा बाइकार्ब मिलाकर पीने से मूत्र का अवरोध नष्ट होकर मूत्र खुलकर आएगा। मूली के पत्तों के 50 ग्राम रस में चौथाई चम्मच सोडा बाइकार्ब मिलाकर पीने से मूत्र का अवरोध नष्ट होकर मूत्र खुलकर आता है। मूली खाने से पेशाब खुलकर आता है। अगर किसी के पुरुष ग्रंथि, प्रदाह या प्रोस्टेट की दिक्कत है तो 2 कप मूली के रस में 3 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना सुबह पिए, इससे पुरुष ग्रंथि की सूजन कम होगी, मूत्र की रुकावट दूर होकर पेशाब खुलकर आएगा। पीलिया होने पर आप मूली के पत्तों और टहनियों का रस 50 ग्राम में 10 ग्राम मिश्री मिलाकर प्रातः खाली पेट पीने से पीलिया में लाभ होता है और इससे 1 सप्ताह के भीतर पीलिया रोग दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज आपको हमने मूली के गुण बताए, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब मूली का समय है, जब भी सब्जी मंडी जाए मूली जरूर लेकर आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।